हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर में, न्यू जॉब्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं, तो पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो में अंतिम तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए, और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन है सभी कैंडिडेट्स के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आगे बढ़ते हैं। तो जे आ जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, सिविल सेक्रेटरिएट श्रीनगर की तरफ से जो जे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो क्या बात करी जा रही है एडवर्टीजमेंट नोटिस में, ऑनलाइन एप्लीकेशन किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मनसबल गांधरबल जेके यूटी आर इन्वाइटेड फॉर द सूटेबल कैंडिडेट एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, किसकी वैकेंसी है, जो पोस्ट है इसमें प्रिंसिपल की, और क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए आपकी, मास्टर डिग्री चाहिए, बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और हैविंग वर्कड एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर इन ए पे ग्रेड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि 10 साल का प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 5 ईयर का किसी रेपिटेड गवर्नमेंट रेजिस्टेंट स्कूल में होना चाहिए, और एज कितनी होनी चाहिए 55 to 58 ईयर तक होनी चाहिए, जो 1/11/2021 तक। और अगर कोई डिफेंस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो उनकी एज 60 से लेके 62 तक, 1/11/2021 तक। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज होना चाहिए जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रोफिशिएंसी ऑफ आईसीटी एंड इंग्लिश का, और पे स्केल कितना बताया जा रहा है 1,18,500 से लेके 2,14,100 तक, ठीक है। और इसके बाद क्या बात करी जा रही है, जितने भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है education.gov.in पर, तो जो भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो भी रिजाइड है, वो रिसेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन फॉर्म को। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में वो सबमिट होगा, और इसके लिए लास्ट डेट जो ऑनलाइन फिल करने की है वो 20/11 तक, यानी कि 20 नवंबर तक आप इस फॉर्म को जो फिल कर सकते हो। तो ये था जो इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन था, तो इसे आपने अच्छे से फिल करना है, और अच्छे से अच्छा अपना जो इधर अपना फॉर्म फिल करना है, और इस अपॉर्चुनिटी को लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।